और न्यूज पथ पर आप सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा, आज बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा की। 16 फरवरी से 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए इस बार योगी सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसे परीक्षा में बढ़ती जा रही सख्ती का डर कहा जाएगा, जिसकी वजह से पहले ही दिन 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा के पहले दिन ही 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ी। यूपी बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पहले दिन कुल 4,02,054 छात्र और छात्राओं ने परीक्षा नहीं दी। बोर्ड एग्जाम के पहले ही दिन 12वीं क्लास के 2,18,189 छात्र परीक्षा देने नहीं पहुंचे। वहीं 10वीं के 1,83,865 छात्र बोर्ड परीक्षा से नदारद रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इन फैसलों ने बेहद सख्त रुख इसमें दिख रहा है। नकल करने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने का भी बात कही गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे में ये माना जा रहा है कि कड़ी सख्ती के कारण इतनी भारी संख्या में छात्रों ने परीक्षा छोड़ी है। यूपी की ही तरह बिहार बोर्ड में भी, आपको बता दें, नकल पर अंकुश लगने के बाद असर दिखा है। यहां अलग अलग जिलों से छात्रों की परीक्षा छोड़ने की खबर सामने आई है। ये बताइए कि 4 लाख बच्चों ने यूपी में एग्जाम छोड़ दिया, आप क्या रीजन मानती हैं? सर, कोविड-19 के वजह से बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई और एग्जाम भी 1 महीने पहले हो रहा है, जिसके वजह से हो सकता है कि उन लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम्स हुई हो, इसलिए वो एग्जाम छोड़ रहे हैं। अभी तो प्रधानमंत्री ने भी टिप्स दिए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्स दिए थे, परीक्षा पर चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि स्ट्रेस नहीं लेना है। बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लगता है कि परीक्षा छोड़ दी बच्चों ने? सर, पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती हैं, 1 महीने पहले एग्जाम हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है। सर, ये बताओ कि आपको क्या लगता है, जो बच्चे परीक्षा छोड़ रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है? सर, उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी और वो अपने एग्जाम हार्ड लगता होगा, एक तो पहले से एग्जाम होगा, एक मंथ पहले, इसीलिए। क्या लगता है आपको, परीक्षा जो स्टूडेंट छोड़ रहे हैं यूपी बोर्ड के, उसके पीछे क्या लगता है, क्या कारण है? उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगी और जो नकल कराने का भी जो पहले होता था, अभी वो भी बंद करा दिया सरकार ने, तो इस वजह से उसका उनको डर लग रहा होगा कि फेल हो जाए, इसलिए नकल मतलब एग्जाम छोड़ चुके दिए हो अपना। नकल नहीं हो रही है, इसकी वजह भी मान रहे हैं ये बच्चे, कुछ और बच्चे हैं, इधर हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महजबी अमान। ये बताइए महजबी की, आपको क्या लगता है ये जो सख्ती हुई है उसकी वजह से बच्चे परीक्षा छोड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? पहले तो उनकी प्रिपरेशन भी नहीं चल पाई क्योंकि कोविड उधर बीच आ गया था, तो फिर स्कूल और कॉलेजेस भी बंद थे और फिर अभी 1 महीना पहले भी एग्जाम हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तो इसलिए भी वो एग्जाम छोड़ने का ये भी कारण हो सकता है। और फिर कुछ बच्चे हैं जो चीटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। आपको क्या लगता है, सख्ती वजह है या पढ़ाई नहीं हो पाई है? हो सकता है पढ़ाई नहीं हुई, या फिर हो सकता है पढ़ने नहीं के बच्चे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि 1 महीने में तैयारी कर लेंगे, तो इसलिए हो सकता है बाद में, हो सकता है नहीं तैयारी हो पाए, इसलिए अपना पढ़ाई नहीं किए होंगे तो नहीं आ पाए होंगे पेपर देने। स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है? स्कूल में अच्छी होती है, और वो जो स्कूल में नहीं जा सकता या फिर काफी दूर स्कूल है जिसका, तो अपनी कोचिंग से भी तैयारी कर सकता है या फिर घर पे कर सकता है, लेकिन तो उनको बुलाया होगा कि हम घर पे बाद में कर लेंगे, तो इसलिए नहीं गए होंगे स्कूल और ना घर पढ़ेंगे, तो इसलिए नहीं गए होंगे पेपर देने। नकल विहीन परीक्षा तो हमेशा दावा किया जाता है, इस पर ज्यादा सख्ती है। यहाँ तक कहा गया है कि जिस केंद्र पर नकल पाई जाएगी, नकल कराते पकड़े जाएंगे, तो वहां पर एनएसए लगेगा। तो जो इतनी सख्ती हो रही है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा दिए हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार का यह कदम कैसा है? सर, सरकार का कदम ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब पहले जितने पिछली बार होते थे चीटिंग होते थे, लेकिन उतना आप सख्ती कर दिया है सरकार ने, तो इसलिए आपको ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, तो इसलिए लोग पेपर छोड़कर भाग जा रहे हैं। आपको लगता है कि सख्ती की वजह से पेपर छोड़े हैं बच्चे? शायद कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का तैयारी भी अच्छे से नहीं हुआ होगा, तो इसलिए भी वो छोड़ सकते हैं, उसमें और भी रीजन हो सकता है। तो ये हैं चंदौली के दीनदयाल नगर में ये जो स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, इनका कहना है कि तमाम तरह के कारण ये बता रहे हैं, कोरोना भी एक अहम कारण हो सकता है, सख्ती को लेकर भी ये बच्चे बात कर रहे हैं कि सख्ती भी एक वजह है जिसकी वजह से बच्चे जो है वो एग्जाम छोड़ रहे हैं। उदय गुप्ता, चंदौली, गुड न्यूज टुडे।